अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नवरात्रि पर रोप वे की सुविधा सुबह 6 से रात्रि 11 बजे तक रहेगी। आगामी नवरात्रि पर्व पर माताजी टेकरी पर आवश्यक तैयारियों के संबंध में बैठक। पार्किंग स्थल पर जूते चप्पल रखने, पीने के पानी और बाथरूम की व्यवस्था की जाएगी। नवरात्रि पर ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। जिले में आगामी नवरात्रि पर्व 15 अक्टूबर से मनाया जाएगा। नवरात्रि पर्व की तैयारियों के संबंध में मौ चामुंडा शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसपी श्री जयवीर सिंह भदौरिया, एसडीएम श्री बिहारी सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री रजनीश कसेरा, डिप्टी कलेक्टर श्री अभिषेक शर्मा, सीएसपी देवास, नगर निगम उपायुक्त डॉक्टर पुनीत शुक्ला, माताजी टेकरी के पुजारी, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत, नगर निगम, वन विभाग, यातायात, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा टेकरी पर नियमित रूप से आने वाले श्रद्धालुगण सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी एवं सचिव माँ चामुंडा शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति देवास श्री बिहारी सिंह ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर लें। नवरात्रि पर रोप वे की सुविधा सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक रहेगी। पार्किंग व्यवस्था उज्जैन रोड, डीआरपी लाइन कैला देवी रोड, सिविल लाइन, उत्कृष्ट विद्यालय, भोपाल चौराहा और मंडी में रहेगी। जहां पार्किंग है वहीं जूते चप्पल रखने, पीने का पानी और बाथरूम की व्यवस्था भी की जाएगी। सीढ़ी मार्ग से अतिक्रमण हटाया जाएगा और दुकानों के सामने चुना डालकर मार्किंग की जाएगी। टेकरी पर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। टेकरी स्थिति समस्त मंदिरों एवं संपूर्ण टेकरी क्षेत्र की 24 घंटे साफ सफाई की जाएगी। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक दर्शन की सुविधा की दृष्टि से टेकरी पर पानी व छाया सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएगी। टेकरी पर कंट्रोल रूम बनाए, कैमरे लगाए और 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी एवं सचिव माँ चामुंडा शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति देवास श्री बिहारी सिंह ने कहा कि टेकरी पर उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुजन देवास के इस प्रसिद्ध स्थान की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करें। टेकरी पर स्थित अन्य क्षेत्र को और अच्छे से विकसित किया जाएगा। टेकरी स्थिति समस्त मंदिरों एवं संपूर्ण टेकरी क्षेत्र की नियमित साफ सफाई की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक दर्शन की सुविधा की दृष्टि से शेड लगाए जाएंगे। टेकरी पर पानी व छाया सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएगी। नवरात्रि पर्व के दौरान शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर एलईडी लगाई जाएगी तथा एलईडी के माध्यम से दोनों माताजी के दर्शन की सुविधा आमजन को उपलब्ध कराई जाएगी। टेकरी पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। टेकरी क्षेत्र में निर्बाध विद्युत व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की तैनाती की जाए। नगर निगम द्वारा माँ चामुंडा टेकरी पर साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। टेकरी के प्रमुख स्थानों पर फिक्स डस्टबिन लगाए जाएंगे एवं प्रतिदिन कचरे का संग्रहण किया जाएगा। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहेगी। टेकरी क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट व अन्य लाइनों को दुरुस्त, टेकरी पर पेयजल की व्यवस्था एवं टंकियों की साफ सफाई की जाएगी। पुरुष एवं महिलाओं के लिए पर्याप्त अस्थायी प्रसाधन की व्यवस्था की जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा टेकरी मार्ग पर लगाई जाने वाली रेलिंग की पुताई रिपेयरिंग संबंधी कार्य किया जाएगा। नवरात्रि पर पार्किंग स्थल से लेकर संपूर्ण टेकरी क्षेत्र पर आवश्यक स्थानों पर बैरिकेड की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में बताया गया कि विद्युत विभाग द्वारा टेकरी क्षेत्र की विद्युत के पोल, स्ट्रीट लाइट, झूलते तार को ठीक किया जाएगा। विद्युत कनेक्शन की जांच, नवरात्रि के समय संपूर्ण टेकरी पर सतत विद्युत व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 बेड की अस्थायी व्यवस्था भी की जाएगी। शंख द्वार, सीढ़ी द्वार एवं जैन मंदिर के पास मेडिकल काउंटर लगाए जाएंगे। डॉक्टरों एवं स्टाफ की मय एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, दवाइयों के 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाएगी। बैठक में एसपी श्री जयवीर सिंह भदौरिया कहा कि दर्शनार्थी एक जगह इकट्ठा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। नवरात्रि के दौरान अनाधिकृत पार्किंग नहीं हो, इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी। ट्रैफिक कंट्रोल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। नवरात्रि पर्व के दौरान दर्शनार्थियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया जाएगा। परिक्रमा पथ पर चीता पार्ट समय समय पर गश्त लगाएगी। आपकी व्यवस्थाएं अपनी गर्मी से होती रहे, लेकिन जो एक समय है, एक महीने का जो समय है, इसमें आपको क्राउड मैनेजमेंट करना है। जैसा आप विदिन रहे कि क्राउड कम से कम 20% के आसपास हम एक्स्ट्रा व्यवस्था कर रहे हैं, 20% बढ़ेंगे। जैसा मैंने अलग अलग फीडबैक लिया है, तो पिछले 3 लाख, पिछले 4 लाख, एक अधिकतम 5 लाख तक का फिगर आया है। किसी और का भी कोई अनुभव हो तो बताया। आने जाने वाले एक दूसरे को काटे नहीं, आमना सामना ना हो, भीड़ का। दूसरा, एक टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ता है कि कोई दर्शन करने आ रहा है तो दर्शन करने और उसके अप्रोच, उसके मंदिर पर पहुंचने, ये सब के बीच में कुछ हमको समय की प्रॉपर सर, आने वाले समय में नवरात्रि पर्व आने वाला है, उसके लिए टेकरी पर बैठक ली गई और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश और कुछ बातें भी हुई है, क्या कुछ विचार विमर्श होगा? सभी के लिए बड़ी सौभाग्य का अवसर है कि हम लोग इतने बड़े दरबार का की सेवा का अवसर मिलेगा। श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ ना हो और पर्व बहुत शानदार तरीके से मनाया जाए, इसके लिए सभी विभागों के संबंध में समिति की बैठक बुलाई गई थी। और क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1 महीने ही बचा है, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि थोड़ा मेरिट वाले स्टार्ट कर दें और समय रहते सारी तैयारियाँ पूर्ण कर लें। जैसे ही वर्षा काल खत्म होगा, हम लोग बॉडी फुटिंग पर बैठेंगे और बेहतर प्रबंधन के साथ आयोजन बहुत शानदार तरीके से करेंगे। ठीक।